ऑल, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत इस्तकबार है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने तरीके से कैसे घी निकालती हूँ, मींस मलाई से। तो ये कुछ 4-5 दिन की मलाई है, तो इसको मैंने देखिए जार में ट्रांसफ़र कर दिया है एक, और बस 1-2 सेकंड के लिए पहले सिर्फ मलाई को ही चलाना है, और फिर अब इसमें ऐड कर देंगे पानी 1 कप के करीब, और फिर बस इसको 30 सेकंड के लिए चलाएंगे, 30 से 40 सेकंड, बहुत कम कम आप इसको घुमाना है आपको इसे। ऐसे देखिए ये अब एकदम से मलाई अलग होने लगी, डाइल्यूट होने लगी है। तो फिर से एक बार और चला देंगे टोटल। इसे हमें अपनी मिक्सी को 3 राउंड चलाना है, एक बार बिना पानी के, दूसरी बार पानी डालेंगे 1 कप, फिर दूसरी बार, तीसरी बार में 1 कप और पानी ऐड कर देंगे। तो देखिए ये एकदम से मलाई से मक्खन अलग हो गया है, पानी अलग है और मक्खन अलग है, और बस उसी टाइम ही आप इसको, ये सारा पानी हमें स्ट्रेन कर देना है, गिरा देना है, और फिर इसी मिक्सर में और पानी लेना है, और इसको अपने मक्खन जो निकला है उसको 2-3 पानी बस वॉश कर लेंगे। और फिर एक मैंने देखिए बड़ा बर्तन ले लिया है भगोना, उसमें एकदम चिल्ड पानी है, और उस पानी में ये सारी मैंने मक्खन ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस तरह से मलाई से मक्खन निकालने में बहुत ज़्यादा बर्तन आपके नहीं लगते हैं, बहुत ईजली ये घंटों का काम जो होता है मलाई से मक्खन निकालना, वो बस कुछ मिनटों में ही हो जाता है। तो सेकंड राउंड में भी देखिए मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मलाई ली, पहले मलाई को चला दिया, फिर उसमें 2-3 बार जैसा आपकी रिक्वायरमेंट लगे जैसे ही पानी डालते जाएंगे आप, 1/2 कप 1 कप। और देखिए सारी इकट्ठा हो गया है मक्खन, अब ये गर्म ठंडे पानी में हमें थोड़ा इसका छोटे छोटे से बाउल बना लेने हैं, एक बॉल की तरह ऐसे कर लेंगे, और इसका सारा एक्सेस पानी जो है इसमें से निकाल लेंगे। ऐसा करने से होता क्या है कि आप जब घी निकालते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं आता है, जैसे आप जब घी निकालते हो तो पानी पानी सी मलाई पहले हो जाती है, और फिर उसके बाद उसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी आपका टाइम और गैस दोनों ही वेस्ट होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी थी, और जैसे ही मैंने गैस ऑन करी और इन्होंने मक्खन ने पिघलना स्टार्ट किया, वैसे ही देखिए घी का प्रोसेस ऑन हो गया। और दूसरे केस में होता क्या है, पहले जो मक्खन में मलाई में दूध होता है, पानी होता है एक्सेस, पहले वो जलता है, फिर उसके बाद से घी निकलना स्टार्ट होता है। बट इस तरह से आप घी निकालेंगे तो आपका घी बस 5 से 10 मिनट में आपका घी तैयार हो जाएगा, और आपको हाथों से कोई भी मेहनत नहीं करनी है, कोई मथना नहीं है, बस ये इजी सा प्रोसेस आप भी ट्राई करें और इस तरह से मलाई से घी निकाल के देखें, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ उनका पूरा पूरा वेलकम है, और जो बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मुझको आगे बढ़ने में अपना पूरा पूरा सपोर्ट करें, और जो कर रहे हैं उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, उनका सपोर्ट, उनकी ब्लेसिंग। और आप लोग कमेंट भी ज़रूर किया करें। बस अब हम गैस ऑफ कर देंगे, और ये देखिए ठंडा हो गया है घी हमारा, अब इसको छान लेते हैं, और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वो नहीं निकलता है, जैसे खोया निकलता है जला जला सा, वो सब इसमें कुछ भी ना के बराबर, आपको 1 चम्मच के बराबर जो वेस्ट होता है वो निकलता है, और घी भी आपका बहुत अच्छी क्वांटिटी में निकल आता है, और कढ़ाई देखिए एकदम क्लियर है। इस तरह से आप भी बनाएं, और ये देखिए कितना क्लियर सा घी निकला है हमारा। अब इसको जमने देंगे, जमने के बाद का भी रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ, जो देखिए जो जमने लगा था वो कितना अच्छा सा हो गया है,
और बहुत ही देखिए दानेदार क्लियर सा घी निकला है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये आइडिया और ये वे, ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।